हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 अलजेब्रा बुक जिसका रूल ऑफ साइन। तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही इजी है, तो आज हम इसी के देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर हमारा जो यूज होगा वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। ये क्या होता है, देखिए इनमें पॉलीनोमियल कोई हमें गिवन इक्वेशन होगी, पॉलीनोमियल इन विच इट्स टर्म्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। जो टर्म्स है एक्स को किस ऑर्डर में रहे होंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। टू सक्सेसिव टर्म हैव डिफरेंट साइन, टू जो लगातार टर्म आएंगे सक्सेसिव उनके साइन क्या होंगे, डिफरेंट। उसी हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन ऑफ चेंज ऑफ साइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे, मैंने ये आपको कोई इक्वेशन दी है और मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर कितने वेरिएशन है, तो आप कैसे देखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये टू टर्म्स है हमारे पास, डिफरेंट साइन आ गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वन हो गया वेरिएशन, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस माइनस, तो कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन चेंज हो गया वेरिएशन। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन चेंज। तो इस इक्वेशन में हमारे पास कितने चेंज है, थ्री चेंज ऑफ साइन, ठीक है। टू सक्सेसिव टर्म्स के अंदर डिफरेंट साइन हो, वही क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ साइन, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये दो चीज है जो हमारी यूज होगी। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी पॉलीनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट इन एफ एन। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज आपने ये इक्वेशन ले, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसके रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके रूट हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो एक्स के दो रूट आ जाएंगे, टू टू, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास टू रूट्स आ गए। अब हम इस इक्वेशन के अंदर चेंजेस ऑफ साइन देखते हैं कितने हैं। तो देखिए यहाँ साइन चेंज हो रहा है प्लस माइनस, तो एक साइन चेंज हो गया, अगेन चार साइन चेंज हो रहा है माइनस प्लस, मीन्स इसमें कितने चेंजेस है, टू चेंजेस ऑफ साइन, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव रूट्स भी कितने आए हैं, टू। तो यही कह रहे थे, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन। जितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन होंगे उतने क्या होंगे, इसके पॉजिटिव रियल रूट्स, ओके। इसी तरह नेगेटिव रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है एफ है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है एफ है। नेगेटिव रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स, ये तो एक्स के हो जाएंगे, ये फोर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कोई भी चेंज ऑफ साइन नहीं हो रहा, यहां भी नहीं यहां भी, नो चेंज ऑफ साइन। तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब आए थे इस एग्जांपल से, अब हम इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमें डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन इस पे अप्लाई करना है। किस लिए अप्लाई करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, सबसे पहले हम इसमें नोट करेंगे चेंज ऑफ साइन। देखिए यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्लस 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 माइनस, यहाँ एक वन चेंज हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो रहा है, इन इक्वेशन फर्स्ट वन चेंज ऑफ साइन, एक ही चेंज हो रहा है साइन का, तो इट मीन इसका एक ही पॉजिटिव रियल रूट होगा। सो देयरफॉर इट हैज एटमोस्ट ओनली, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट ओनली वन पॉजिटिव रियल रूट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हमें नेगेटिव भी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एफ, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है ये नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पॉलीनोमियल, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे चेंज ऑफ साइन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नो चेंज, हेयर चेंज हो रहा है हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ठीक है, तो यहां भी क्या हो रहा है, वन चेंज ऑफ साइन, इसको सेकंड कह दो, वन चेंज ऑफ साइन इक्वेशन टू, तो देयर फोर इट हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट, इसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वन नेगेटिव रियल रूट। अब हमारे पास दो तो क्या आ गए रियल रूट, बट इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इसकी डिग्री क्या है फोर, तो रूट्स कैसे होंगे फोर, तो टू तो हमारे पास क्या हो गए, इट हैज एट मोस्ट टू रियल रूट्स, टू तो क्या हो गए हमारे पास इसके टू रियल रूट्स, और रिमेनिंग रूट्स कैसे हो जाएंगे इमेजिनरी, डिग्री कितनी है फोर, फोर माइनस टू, तो टू क्या हो जाएंगे, इट हैज एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट्स, तो इसके दो तो क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स और टू क्या होंगे रियल रूट। यहां हमने एफोर्स इसलिए यूज किया क्योंकि हमने चेक कर लिया, और यहां हम सीधा माइनस करके फाइंड कर रहे, तो यहां लगा हुआ है एटलीस्ट। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सी इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, तो हमें शो करना है कि इक्वेशन के कम से कम दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो डिपेंड करते हैं सी पे, तो हम अलग अलग केस लेके चलेंगे। सोल्यूशन वुड डिस्कस ऑल केसेस ऑफ सी, सी को हम क्या लेके चलेंगे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, जब हमारा सी क्या है ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन सी क्या होगा, सी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सी के होगी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमारे पास पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स के एक्स फाइव प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब हम नेगेटिव के लिए एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स फाइव प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सी, अब दोनों का हमें देखेंगे क्योंकि यहां से नेगेटिव रूट आएगा और यहां से पॉजिटिव, तो देखिए व्हेन सी इज पॉजिटिव, अगर हमारा सी पॉजिटिव है तो फर्स्ट के पॉलिनोमियल में देखिए कोई भी चेंज ऑफ साइन नहीं है, इन फर्स्ट इन एफ एक्स लिख देते हैं, इन एफ एक्स नो चेंज ऑफ साइन, कोई भी चेंज नहीं है साइन का, सो इट हैज नो पॉजिटिव रियल रूट, तो पॉलिनोमियल का कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। नाउ नेगेटिव में देखते हैं चेंज ऑफ साइन, वन टू, ठीक है, हमारे पास चेंज ऑफ साइन कितने होंगे, एक तो ये हो गया माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, थ्री चेंज ऑफ साइन हो गए हमारे पास, कितने साइन हो गए थ्री, इन एफ माइनस एक्स देयर आर थ्री चेंज ऑफ साइन, कितने साइन हो गए थ्री चेंज ऑफ साइन, सो इट हैज थ्री नेगेटिव रियल रूट, सो इट हैज एट मोस्ट थ्री नेगेटिव रियल रूट, बट इक्वेशन की डिग्री क्या है फाइव, तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए हमारे पास फाइव, तो थ्री हमारे पास रियल रूट आ गए, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे हमारे पास इमेजिनरी, फाइव माइनस थ्री क्या आ जाएंगे टू, एटलीस्ट इमेजिनरी रूट, फाइव माइनस थ्री कर दोगे तो टू क्या आ जाएंगे, देयरफॉर इट हैज एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट्स, ये तो फर्स्ट केस से आ गया हमारे पास, यही तो हमने शो करना था, ठीक है। नाउ अब हम केस सेकंड लेके चलते हैं, उसमें हम सी को लेते हैं लेस देन जीरो, तो डेट मीन सी क्या होगा हमारे पास
नेगेटिव, या सी की जगह कुछ ले लेते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी है, सी इक्वल्स टू माइनस के ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम रूट्स देखते हैं थर्ड के अंदर, देखते हैं पहले तो को, यहां भी कोई चेंज साइन नहीं है, यहां वन चेंज ऑफ साइन है इन एफ एक्स हैज एट मोस्ट ओनली वन पॉजिटिव रियल रूट बिकॉज इट हैज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, क्योंकि इसमें क्या है ओनली वन चेंज ऑफ साइन, तो इसलिए इसका ए की क्या होगा पॉजिटिव रियल रूट। नाउ एफ माइनस एक्स में देखते हैं वन टू, एफ माइनस एक्स में कितने आए नेगेटिव में टू चेंज ऑफ साइन, तो क्या होगा एफ माइन देयर आर टू चेंज ऑफ साइन, सो इट हैज एट मोस्ट टू नेगेटिव रियल रूट्स। तो टोटल रूट्स कितने होंगे हमारे पास थ्री, तो फाइव माइनस थ्री टू क्या हो जाएंगे, इट हैज एट लीस्ट टू इमेजिनरी रूट, क्योंकि रियल रूट्स तो कितने होंगे इसके एटमोस्ट थ्री व्हेन सी क्या है हमारे पास नेगेटिव। ओके नाउ थर्ड केस डिस्कस करेंगे व्हेन सी इक्वल्स टू जीरो, सी जीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉलिनोम में, ओके अब एक्स एक्स का देखो, अगर हम एक्स जीरो लेते हैं तो एक तो रूट वो आ जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो इज रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है एक रूट तो हमें मिल गया एक्स एक्स का। नाउ अब एफ माइनस एक्स में कितने चेंज ऑफ साइन है टू, एफ माइनस एक्स इन एफ माइनस एक्स देयर आर टू चेंज ऑफ साइन, सो इट हैज एट मोस्ट टू नेगेटिव रियल रूट्स, तो इसके कितने होंगे टू नेगेटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव, ठीक है। तो एक रूट हमें यहां से मिल गया एफ एक्स का जीरो को, टू रूट्स यहां थे तो एटमोस्ट कितने रियल रूट्स हो गए थ्री, बट इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे फाइव, तो रिमेनिंग रूट्स कैसे होंगे फाइव माइनस थ्री टू, इट हैज एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट, तो रिमेनिंग क्या होंगे टू इमेजिनरी रूट्स, तो हमें यही शो करना था कि इस इक्वेशन के एटलीस्ट टू क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स, तो हमने तीनों केसेस में देखा हमारे पास यही आया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं, बस आपने इसमें चेंज ऑफ साइन का कंसेप्ट यूज करना है। थैंक यू।